उनके जीवन, उनके विचार और चिंतन से श्रावक को प्रेरित कर सत्संग का लाभ देने हेतु प्रस्तुत है श्रीफल न्यूज का सत्संगी प्रयास संत वाणी। पुष्पगिरी तीर्थ पर विराजित मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के मुखारविंद से पर्व उल्लास का प्रतीक होते हैं। पर्व है तो संस्कृति है और संस्कृति है तो उमंग है और उत्साह है। इसी कड़ी में श्रावक जीवन का सर्वोत्तम पर्व है 10 लक्षण पर्व या पर्युषण महापर्व। संयम और तप की उमंग भरता यह महापर्व आज से प्रारंभ होने जा रहा है। आज से सभी वर्ग के श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार त्याग, तप और संयम की आराधना के साथ प्रभु भक्ति करेंगे। 10 लक्षण पर्व का प्रादुर्भाव उस समय हुआ था जब मानव दुख से सुख की ओर कदम बढ़ा रहा था। उसी खुशी में 10 दिन तक भक्ति आराधना का क्रम प्रारंभ हुआ जो आज तक अनवरत चल रहा है। यह पर्व एक तरह से 10 धर्मों को जीवन में अंगीकार कर उनके अनुसरण का पर्व है। 10 लक्षण का पहला दिन या कहे पहला धर्म है उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा धर्म के निर्वहन से व्यक्ति को इस भव के साथ अगले भव में भी सुख मिलता है। जीवन के हर कार्य के साथ क्षमा का होना आवश्यक है, तभी जीव अपने आप को संकट से बचा सकता है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि धारण कर सकता है। परिवार, ऑफिस, दोस्त के विवादों से तटस्था रखने के लिए उनके हर कार्य के प्रति क्षमा का भाव धारण करना ही उचित होता है। जैसे परिवार में किसी ने आपको यह कह दिया कि तुम कोई काम के नहीं हो, तो उस समय क्षमा धारण कर यह सोचना कि आपके पाप कर्म का उदय है इसलिए उसने ऐसा कहा, तो आप उस बात को टाल विवादों से बच जाएंगे और परिवार में शांति बनी रहेगी। इसी तरह ऑफिस और दोस्तों के बारे में सोच लोगे तो झगड़े और क्रोध से बच जाओगे। यही क्रिया आपके अंदर के क्षमा भाव को बाहर आने देगी। वास्तव में क्षमा करने से अधिक लाभ क्षमा को धारण करने से होता है। इससे आपके परिणाम और भाव विशुद्ध होते हैं। क्षमा के अभाव में व्यक्ति क्रोध को जगह देता है और जीवन को संकट में डाल देता है। यह पर्व आत्म शुद्धि का भी कहा जा सकता है। जब आपकी आत्मा पवित्र और शुद्ध होगी, मन प्रसन्न होगा, तो आपके भाव शुद्ध होंगे और आपकी गति का उत्तम होना निश्चित है। अतः क्षमा को धारण करें और अपने कर्मों की निर्जरा की ओर अग्रसर हो। आज का जाप, ओम रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। आज का नियम, आज के दिन क्षमा धारण कर सभी की गलतियों को क्षमा करेंगे।